ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत वाणी को स्वागत दर्शक बंधु, आज आसतु आम सुनवा आलोचना करवा श्रीमद भागवतर प्रथम स्कंद अंतर्गत एकादश अध्यायस्थ 35-40 पदावली पर्यंत। यादव सात वंश मिली सब दशुभे कुशस्थली रक्षित निज तुल्य बणे पाताल जेहे नाग बणे मत मतंग अश्वखर रथ सकट बहुतर पदाति बल प्रमित धमन्ति बीरे जुथ जुथ चलन्ते मुखरा बगोण पाताले जेहे नाग बण ये पदावली भितरे आपण माने श्रवण करिछंती आलोचना करिछंती विगत अध्याय रे से प्रसंग मार्मिक प्रसंग जहाँ भक्त आउ भगवानंकर मिलन को साकार करि गढ़ी तुलिछि जगन्नाथ दास। ए प्रसंगटी को पुणी आरंभ करि कहुछंती जे भक्त आउ भगवानंकर मिलन भितरे ए प्रसंग केवल सीमित है कि नहीं, आज जादव सप्तवंशी महाप्रभु सहित मिलित होती से जादव सात वंश मिली सब दशुभे कुशस्थली। दर्शक बंधु, जो माने द्वारका पुरी को सुरक्षा दौले भगवान तो राजा सेठी, किंतु ये सातवंशी जादव कुल संपूर्ण भाव सप्तस्तंभ भली सुरक्षा प्रदान करुले द्वारका नगरी को। से सातवंशी किए से ना मधु भोज दासारह अरह सात्वत अंधक एवं वृष्णी। ये सप्तवंशी जादव मानकर बल रे बुद्धि रे विवेक रे प्रतिष्ठित होता द्वारकापुरी एवं से माने जेतेबले आसुछंती भगवान सहित मिलित होवापाई ये कुशस्थली ये जादवपुरी कोलाहल मुखरित हो जाऊँगी। दर्शक बंधु, एठारे ये द्वारका पुरीर अन्य नाम कुशस्थली। एठारे एक पौराणिक आख्यान रही महाप्रभु रामचंद्रंकर जो पुत्र लव एवं कुश से दुई जनंकर राज्य मध्यरु कुशस्थली अन्यतम। पूर्वरु ये द्वारका पुरीर नाम जादवपुरीर नाम कुशस्थली थिला। भागवतकार श्रील जगन्नाथ दास ताकु स्मरण करी कहुचंती जे जेतेबले सप्तवंशी जादव माने आसुचंती महाप्रभु सहित मिलित होवा लागि से माने आनंदरे कोलाहल करुचंती आउ से कोलाहल द्वारा परिपूर्ण होउची ए कुशस्थली। रक्षित निज तुल्य बळे पाताल जेन्हे नाग बळे पातालपुर जे भळी नागबलंकर बल द्वारा सुरक्षित ठीक से भली द्वारका पुरी सप्तवंशी जादव मानंकर बलरे सुरक्षित अटे। मत मातंग अश्वखर रथ सकट बहुतर पदाति बल अप्रमित धामंती बीरे जुथ जुथ। से प्रसंगे से स्थान रे जेतेबले सप्तवंशी जादव माने आसुछंती से साधारण भावरे आसुनाहंती असाधारण भावरे आसुछंती धरिकरी आसुछंती तांक सहित रथ सकट एवं मातंग कहिले हस्ती अश्व खर इमानंकु धरी पदाति बलंकु धरी से माने आसुछंती महाप्रभुंकर दर्शन करिवा पाई। आउ ए दर्शन भितरे से पुरी किभली शोभायमान हो उठी किभली शोभा संपदरे परिपूर्ण हो उठी ताहाकु मध्य वर्णना करिवा लागि श्रील जगन्नाथ दास भूली जाई नाहंती कहउछंती कोन सकल ऋतु पुष्प फळे आश्रयी लता द्रुम मेले। फूल फळरे सुशोभित हो उठुची महाप्रभु द्वारका धीशंकर से पुरी अनन्य पुरी। दर्शक बंधु, ये गोटे कथा आपणा छाए मन भितर को चली आसती जो क्षेत्र रे भगवान स्वयं राजा सेठारे जो सुरक्षा लगे
जो बल माने रही से माने अतुलित बलधाम बोली कहुए आठारे कौन सी जिनसर अभाव परिलक्षित हुए ना मेघ उन्नत भाव जलदान करती पृथ्वी शस्यशालिनी हो जाए अतएव ये हृदय को आज आसतु भागवत बाणी को श्रवण करी आलोचना करी सेमती द्वारकापुरी टीए बनवा जो द्वारकापुरी भितर महाप्रभु कृष्णचंद्र को राजाधिराज भाव आज बसईदबा आउ बसेवा भितरे तांकर नित्य दर्शन करी जीवन को धन्य करिवा आसंतु ए सुजोग को हाथ छड़ा करिवा नाही। जय जगन्नाथ।